आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डिफरेंट, यूनिक और ऑथेंटिक रेसिपी लाई हूँ। और ये इस रेसिपी का जो बैकग्राउंड है, ये जो डिश है, स्नैक्स है ये, और ये इटालियन स्नैक है, इंडियन नहीं है। बट मैं आपको इस ऑथेंटिक रेसिपी को बहुत ही सिंपल तरह से बनाना सिखाऊंगी, वो भी बहुत कम इन्ग्रीडियंट्स के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फ्लावर्स आपको दिख रहे होंगे रखे हुए, ये फूल हैं, ये कद्दू के फूल हैं, पम्पकिन, इस विंटर सीजन में पम्पकिन आता है तो उसी के फूल हैं। इस गर्मियों में अगर आप बनाएं तो इसकी जगह आप तोरी के या लौकी के फूल भी ले सकते हैं। तो ये मैंने फ्रेश तोड़े हैं गार्डन से, तो कद्दू के फूल हैं ये लेने हैं हमें। और जो बाकी इन्ग्रीडियंट्स हैं, मेन इन्ग्रीडियंट तो ये फूल ही हैं, बाकी जो इन्ग्रीडियंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए चीज़ें तो काफ़ी हैं। सबसे पहले हम रिकॉटा चीज़ बनाएंगे। रिकॉटा चीज़ आपने बहुत ज़्यादा ये नाम सुना होगा, बहुत यूज़ होता है। सो फ्रेंड्स, इसको हम इस रेसिपी को हम बोलते हैं रिकॉटा स्टफ्ड पम्पकिन फ्लावर। रिकॉटा स्टफ्ड पम्पकिन फ्लावर, रिकॉटा चीज़ आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा, लेकिन ईजिली अवेलेबल नहीं है हमारे कंट्री में, हर जगह नहीं मिलता है, तो कहीं नहीं पे मिलता है, तो इसीलिए हम बहुत सारी चीज़ें नहीं बना पाते हैं। तो मैं आज आपको रिकॉटा चीज़ बनाने की रेसिपी बताऊंगी, तरीका बताऊंगी कि आप उसे आसानी से घर में कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले इस स्नैक को बनाने के लिए मैं रिकॉटा चीज़ बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या लिया वो मैं बता देती हूँ जल्दी से। मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है, मैंने 50 ग्राम के करीब, ये 1 लीटर दूध है, और 50 ग्राम के करीब मैंने हैवी क्रीम लिए, थिक क्रीम, और आधा नींबू लिया है मैंने। तो ये तीन इंग्रेडिएंट्स, ये बाकी इंग्रेडिएंट्स हम बाद में यूज़ करेंगे, ये तीन इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करके रिकॉटा चीज़ बनाने वाले हैं, मिल्क, क्रीम और लेमन। तो चलिए हम चीज़ बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम रिकॉटा चीज़ बनाते हैं, उसके लिए पैन में दूध ले लिया है और मैं इसे गर्म कर रही हूँ, तो इसको गर्म कर लेते हैं। इसको गर्म करना है, बॉयल नहीं करना है। इसी दूध में मैं ये क्रीम ऐड कर देती हूँ, अभी डाल दीजिए, इससे आपका जो चीज़ है वो रिच बनेगा, रिच और क्रीमी होगा। तो हमने इसमें एक्स्ट्रा क्रीम डाल दिया है। इसके गर्म होने का गर्म कर लेते हैं, के साथ जेल हो गई है, मिक्स हो चुकी है। तो मैंने आपको बताया था हमें इसे बॉयल नहीं करना है, बॉयल होने से पहले ही, बॉयल होने वाला है दूध जस्ट, तो मैं इसमें ये नींबू का रस ऐड कर दूंगी, बॉयल होने से जस्ट पहले, जब इसमें बबल से बनने शुरू हो जाए, बॉयल होने से पहले बनते हैं, तो उस स्टेज पे आपको नींबू ऐड कर देना है और गैस को बंद कर दीजिए। अभी थोड़ी देर में अपने आप इकट्ठा होने लग जाएगा, देखिए आप देख सकते हैं दूध फटने लग गया है। तो बस अब जो बनेगा, जो कुछ भी, वो रिकॉटा चीज़ होगा। तो थोड़ी देर के लिए आप इसे रहने दीजिए, सेट होने दीजिए 2-3 मिनट तक के लिए, ताकि अच्छे से रिकॉटा तैयार हो जाए। इसके बाद हम इसे छन्नी में छान लेंगे। तो आप देख सकते हैं रिकॉटा हमारी रेडी हो चुकी है, देखिए कितनी अच्छी बनी है, इसका पानी बिल्कुल अलग हो चुका है, दूध और पानी एकदम अलग हो गया है 2 मिनट के बाद। बस अब मैं इसे कपड़े में, छन्नी पे कपड़ा लगा के, बारीक कॉटन का कपड़ा लगा के इसे छान देती हूँ, निकलने के लिए डाल दिया। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और क्रीमी है, इसका टेक्स्चर बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी होती है, हेल्दी भी बहुत है, पनीर जैसा बिल्कुल भी नहीं होता इसका फ्लेवर। आप इसे हमें बनाइए और ट्राई करिए, और भी चीज़ों के साथ ये यूज़ होता है, मैं आपको फर्दर बताती रहूँगी। तो अब सबसे पहले हम बैटर तैयार करके अलग से रख देते हैं। बैटर के लिए मैंने मैदा लिया है, और मैदे में, तो जब तक मेरा रिकॉटा पानी इसमें से निचोड़ रहा है तब तक मैं बैटर बना लेती हूँ। बैटर के लिए मैंने मैदा लिया है, सफ़ेद मैदा, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी इसमें, सिर्फ हमें नमक डालना है, नमक, काली मिर्ची, और इसका घोल जो मैं बनाऊंगी वो उसी पानी में, जो रिकॉटा से जो पानी है निकला है उसी में बनाऊंगी, उसी में आपको मिक्स कर दीजिए इसे। और थोड़ा सा हम, क्योंकि इसे चाहते हैं थोड़ा फ्लफ अच्छे बने, क्रिस्पी बने,
थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर दीजिए। इसको घोल बना लें। सो घोल तैयार हो गया है, मैं तैयार कर दिया है। अब मैं इसे अलग रख लेती हूँ। अब क्या करना है, ये जो हमने फूल लिए हैं, अब क्या करना है, ये जो मैंने फूल लिए हैं इसके अंदर आप इसे खोल के देखिए। इसे पहले तो वॉश कर लें, सबसे पहले वॉश करके टॉवल ड्राई कर लें, इसका पानी सुखा लें। बहुत ही नाजुक हैं। आपको इसके अंदर ये इस तरह की बल्ब सी दिखेगी, ये आपको निकाल कर हटा देनी है, ये तोड़ देनी है आपको। और ये जो बाहर इसके दिख रहे हैं हरी हरी, ये भी आपको हटा देने हैं, ये भी मुझे नहीं चाहिए। तो इस तरह से आप इन सारे फूलों को साफ कर लें पहले। सो फ्रेंड्स, मैंने इसको क्लीन कर लिया है, इसके अंदर इस तरह का जो बल्ब होता है वो निकाल दिया है, और यहाँ जो बारीक बारीक सी पत्तियाँ होती हैं वो भी निकाल देनी है। इसको साफ करते टाइम अगर आपको कोई ख़राब लगे, जैसे ये अंदर से ख़राब हो रहा था, तो इसको हटा देना है। अब इसको हम साइड रख देते हैं। ये मैंने पालक ली है, थोड़ी सी एक कटोरी पालक ली है, बारीक बारीक काट ली है। इसमें से पत्ते हैं, उसकी डंडियाँ नहीं लेनी है, बहुत बारीक काट लें। और इसको मैं ब्लांच करूँगी। ब्लांच करने का मतलब है कि मैं इसे एक बार पानी में बॉईल करूँगी। तो चलिए मैं बॉईल कर लेती हूँ इसे। जब तक पालक बॉईल हो रही है, उसको सिर्फ एक बॉईल करना है, जब तक पानी बॉईल हो रही है हम अपनी रिकॉटा देख लेते हैं। इसमें से जितना भी एक्सेस वाटर है वो आप निकाल दें, इस तरह से निचोड़ के, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आपके पकौड़े पानी जैसे हो जाएं, और जब तेल में जाएं तो पानी निकले उसमें से। तो इसलिए अच्छे से इसको आपको निचोड़ के इसका पानी निकाल देना है। सो फ्रेंड्स, ये पालक को मैंने बॉईल कर लिया है। तो इसको बॉईल करने के बाद मैं इसमें अब ऐड कर देती हूँ, रिकॉटा चीज़ रेडी कर देती हूँ, इसमें ऐड कर दूँ। और जो इसकी में इंग्रेडिएंट डलेंगे वो बता देती हूँ। ये एक चम्मच बहुत ही बारीक कटा हुआ लहसुन है, एक छोटा चम्मच। थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे, इससे कलर भी ऐड होगा। आप देख सकते हैं कितना कलरफुल लग रहा है, कलर भी ऐड होगा और थोड़ा फ्लेवर भी आएगा। इसे मिक्स कर लें, सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लें। सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल दें। हमने फ्लावर क्लीन किए हैं, इसमें मुझे इसे फिल करना है। इस तरह से हम इसे इसके अंदर फिल कर देंगे। और फिल करके आप इसे फूलों की पत्तियों से ऐसे करके कवर कर दें। पहले मैं इसे फिल करके सारे ऐसे रख लेती हूँ, सारे फिल कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने इन सारे फ्लावर्स में रिकॉटा अच्छे से फिल कर दिया है, और उसको इस तरह से उसकी पेटल से आप इसे कवर कर दें, जो भी आपने रिकॉटा ऐड किया है। और बस अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है तो मैं इसे फ्राई करती हूँ। चलिए इसे फ्राई करते हैं। सो फ्रेंड्स, ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसे बैटर में कोट करके फ्राई होने के लिए डाल देती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने इनको फ्राई कर लिया है और इनकी प्लेटिंग भी कर दी है। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे लग रहे हैं, क्रंच आप देख सकते हैं, ये बाहर से कितने क्रंची हैं और अंदर से सॉफ्ट हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और क्रीमी हैं। तो नेक्स्ट टाइम से जब आपके घर में तुरई के, लौकी के या कद्दू के फूल टूट के गिर जाएं, तो आप उन्हें फेंके नहीं, बल्कि ये ऑथेंटिक और यूनिक रेसिपी बनाएं और अपने घर वालों को इम्प्रेस करें। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ।